हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सब लोग के। दोस्तों आज हमारे पास है 11-21 का सैंपल, तो हम जानेंगे 11-21 का चावल कैसा होता है, उसकी पहचान क्या होती है 11-21 की। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो है 11-21 की, वो है कि 11-21 का जो चावल रहता है वो एकदम स्ट्रेट होता है और प्लस चपटा होता है। मतलब स्ट्रेट तो है ही, सीधा तो होता ही, एकदम स्ट्रेट होता है चावल। और दूसरी बात, ये चपटा होता है, मतलब ये गोल नहीं होता है, चपटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये चपटा होता है। और दूसरा कि इसकी जो चोंच होती है ये ऊपर की, ये मतलब डीप कट होता है, लगा हुआ उसमें डीप कट, मतलब गहरा कट लगा हुआ होता है। चपटा होता है, सीधा होता है और डीप कट होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा कि इसकी पहचान जो रहती है, मेन पहचान वो है कि नीचे की जो इसकी पूंछ रहती है, वो इसकी पूंछ जो है वो यू शेप होता है उसमें। मतलब आप ये देख रहे हैं, इसमें यू शेप है, ये इस तरीके से, ये देखो इसमें भी यू शेप है, इसमें भी, मतलब ये यू शेप का मतलब जज करता है कि ये हमारा 11 का चावल है, इसमें यू शेप का होता है, ये यू शेप है सारा। मतलब नीचे की जो पूंछ होती है यू शेप की होती है, इसका जो ऊपर का जो रहता है पॉइंट, वो उसमें डीप कट लगा हुआ रहता है, चपटा होता है एकदम, मतलब चपटा होता है, गोल नहीं होता है, घूमता नहीं, चपटा होता है। ठीक है दोस्तों, और फ्लैट जैसा मतलब कह सकते हैं, चपटा होता है और ये स्ट्रेट होता है एकदम सीधा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा 11-21 का जो चावल होता है उसकी पहचान कैसे करें, कैसे होती है पहचान, कैसे उसको जाने कि हमारा 11-21 का चावल है। तो दोस्तों आप इन, मैंने जो आपको बताया, इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा 11-21 का जो चावल रहता है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा 11-21 का चावल है और इसकी पहचान यही रहती है। और लास्ट में दोस्तों ये इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 8.35-40, मतलब 40 से 35 तक की होती है इसकी लेंथ। 8.40 mm, 8.35 mm, इतनी इसकी लेंथ रहती है 11-21 के चावल की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास जो सैंपल है ये 11-21 स्टीम बंड का सैंपल है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।